वेलकम क्लास 8 सरीना पब्लिक स्कूल। बच्चों, हम केमिस्ट्री में अपना थर्ड चैप्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे केमिकल रिएक्शन। फोर्थ लेक्चर है, टॉपिक है या लेसन है, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो बात चल रही थी केमिकल इक्वेशन लिखने की, तो हमने एक चीज़ नहीं बताई थी शुरू में, इसको आप बता देते हैं कि केमिकल इक्वेशन लिखने में हम इस्तेमाल करते हैं सिंबल्स का या फार्मूले का। अगर एलिमेंट्स हैं तो हम उनके सिंबल इस्तेमाल करते हैं, और अगर कंपाउंड बन के तैयार हुआ है तो फिर हम उसका, कोई मॉलिक्यूल बन के तैयार हुआ है तो फिर उसका फार्मूला लिखते हैं। और सिंबल लिखना और फार्मूला लिखना दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम कोई बदलाव नहीं ला सकते। जैसे अगर हम एक फार्मूला लिखते हैं, वाटर एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल H2O, अगर हमने ये फार्मूला लिखा है तो हम इसमें कोई चेंज नहीं ला सकते। या अगर हमारे पास कोई है तो इसमें भी हम कोई चेंज नहीं ला सकते, ये चीज फिक्स होता है, ये बदल नहीं सकते। तो कल हम बता रहे थे कि किस तरह से हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और उसकी दो साइड्स होती हैं, यानी अगर हम ऐसे खड़े हो जाए तो एक राइट साइड होगी और एक लेफ्ट साइड होगी। यानी हमारे किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते वक्त हम दो साइड से, एक तो हम नीचे बीच में जो एक एरो है वो हमें रखें, और हमारे पास एक होगी लेफ्ट हैंड साइड और एक होगी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर हम उन चीज़ों को रखेंगे जिनके बीच में हमें रिएक्शन कराना है या जिनकी केमिकल इक्वेशन हमें लिखनी है। मान लीजिए हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इधर रखा, इन दोनों का रिएक्शन हम कराने वाले हैं, और इनके नतीजे में जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो हम इस एरो के बाहर लिखते हैं H2O। इसके बीच में जो एरो है वहाँ पर हम वो कंडीशंस भी डालते हैं जिन कंडीशंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं या उनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी केमिकल इक्वेशन में सिंबल्स का और फार्मूले का। इन फार्मूले को हम कभी चेंज नहीं कर सकते, इन सिंबल्स को हम चेंज नहीं कर सकते। बस अगर हमको इनकी, और हमने कल आपको बताया था कि हमको चेक करना चाहिए कि दोनों तरफ ये जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट हमने इस्तेमाल किया है, जो कंपाउंड में, इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के, वो बराबर हैं कि तो जैसे अभी ये जो लिखी हुई है सामने जो केमिकल इक्वेशन, इसमें हाइड्रोजन के दो एटम हैं और इधर भी हाइड्रोजन के दो एटम हैं, बराबर हैं। लेकिन इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के दो हैं, लेकिन इधर राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन का एक है। ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो केमिकल इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, यानी हमें ये इतना जितना इधर हम मास ले रहे हैं वो इधर बराबर इतना ही होना चाहिए। ये हमारी केमिकल इक्वेशन की एक खूबसूरती है और पहचान है। तो अब ऑक्सीजन को भी यहाँ हमें दो करना है, टू एटम्स हैं तो हम यहाँ नहीं लगा सकते टू। H2O2 अगर हमने कर दिया तो ये एक दूसरा कंपाउंड हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो एक कोएफिशिएंट का हम इस्तेमाल करते हैं। कोएफिशिएंट वो डिजिट है जो इस पूरे मॉलिक्यूल से पहले हम लगाते हैं। मान लीजिए टू हमने लगा दिया तो आप इसके बाद आने वाले जितने भी एटम्स हैं वो टू टू हो जाएंगे, यानी हाइड्रोजन भी टू हो गया और ऑक्सीजन भी टू हो गया। लेकिन हाइड्रोजन पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है टू, तो ये हो जाएंगे फोर, और ये हो जाएंगे इसके लगने के लिए टू, तो ये सिक्स हो गए, फोर प्लस टू। आप इधर देखें, इधर तो हाइड्रोजन फोर हो गए, तो इधर भी एक
क्यूब कोएफिशिएंट लगाएंगे तो हमारे पास ये भी हो जाएंगे 4 और प्लस टी। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। तो इसी तरह से हम अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, या हम ये कह दें कि कुछ कंडीशंस हैं जो केमिकल रिएक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे ये देखना कि बहुत सारी चीज़ें मान लीजिए सॉलिड कंडीशन में रखी हुई हैं, उनमें रिएक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि उसका पाउडर बना लेंगे और पाउडर बना के उसको दूसरे किसी एलिमेंट के साथ मिलाएंगे, ये एक तरीके का नेचर है उसका। तो अगर हमने कभी कभी देखा है या बहुत ऐसा होता है कि जैसे पाउडर है और दूसरा एक पाउडर है, दोनों को मिला देंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होता, केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर इसका हमने एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया वाटर में तो ये रिएक्ट कर जाता है। जैसे कैल्शियम जो है ये बहुत तेज़ी से पानी के साथ रिएक्ट करता है, वैसे इसका रिएक्शन नमी में, यानी वैसे एटमॉस्फेरिक नमी में बहुत स्लो होगा। लेकिन अगर इसे हम पानी में, चूना है, चूना अगर इसे हम पानी में डाल देंगे बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें बहुत सारी हीट निकलती है। तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये टेम्परेचर, कभी कभी ऐसा होता है कि ये सब करने के बावजूद भी अगर कोई ख़ास टेम्परेचर नहीं दिया गया है तो फिर वो रिएक्शन नहीं होगा। लाइट की मौजूदगी या ना मौजूदगी भी केमिकल रिएक्शंस में बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, जैसे वाटर के बारे में ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, जो इलेक्ट्रिक स्पार्क से ही हासिल होता है। और इसी तरह उसको एनालाइज करने के लिए, उसकी उसको तोड़ने के लिए वाटर को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये कंडीशंस हैं या लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा प्रेशर की भी ज़रूरत पड़ती है कहीं कहीं, और कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऐसे केमिकल्स हैं जो किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन को शुरू करा दें और तेज़ करा दें, और खुद केमिकल रिएक्शन के आखिर में जैसे थे वैसे बच जाएं, ऐसे एजेंट जो हैं कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो कई चीज़ें हो गई, यानी हमारा क्लोज कांटेक्ट हो गया, यानी दो एलिमेंट्स को एक दूसरे के करीब तक नहीं लाएंगे, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, कहीं कहीं पर टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर लाइट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, इसके रिएक्शन के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की भी ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, और ज़रूरत पड़ती है कैटलिस्ट की। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो इन कंडीशंस में होते हैं, और इनके नतीजे में जो प्रोडक्ट बन के तैयार होते हैं वो केमिकल कंपाउंड कहलाते हैं। और इन केमिकल कंपाउंड की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने इंजन एलिमेंट के मिलाने से केमिकल रिएक्शन हुआ और ये प्रोडक्ट बना, उससे इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये केमिकल रिएक्शन एक परफेक्ट केमिकल चेंज है, जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंसेस बिल्कुल बदल जाते हैं और नया